वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें log n बेस 3 का वैल्यू बताया गया है x एंड log n बेस 3 का वैल्यू बता दिया गया है y, तो हमें इन सभी सवालों को m एंड n के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो गिवन दिया गया है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू m होगा एंड 3 टू द पावर y इज इक्वल टू n होगा। इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हमें m एंड n के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए। सो पहला सवाल है 3 टू द पावर 2x माइनस 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x बाय 3 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर x का स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमें 3 टू द पावर x का वैल्यू पता है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, बाय 3 क्यूब मतलब कि 27 इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 27। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में दिया गया है 3 टू द पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x, सभी 3 के पावर में ही है, तो ये सभी एक दूसरे से इधर मल्टीप्लाई होंगे और नेगेटिव में होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2y इंटू 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय, ये माइनस वाला साइन यहाँ पे 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, फिर से हमें इसे 3 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हम m एंड n का जो वैल्यू है यहाँ पे हम यूज कर सकें। तो 3 इंटू 3 टू द पावर x का होल क्यूब बाई 3 टू द पावर y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एम क्यूब बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम क्यूब बाय एन स्क्वायर। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल पे हमें करना ये है कि हमें a का फाइंड करना है और उसे m एंड n के टर्म्स में ही फाइंड करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log a बेस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, इसे हम लिख सकते हैं log a का स्क्वायर 2 जो है a के पावर में चला जाएगा बेस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, और इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये जो है इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5x बाय 3 टू द पावर 3y इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा, और फिर से यहाँ पे हमें इसे 3 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का पावर में 5 हो जाएगा एंड 3 टू द पावर y के पावर में क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर x मतलब m टू द पावर 5 बाई एन क्यूब। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर ये है तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना था, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर m टू द पावर 5 बाई एन क्यूब, तो हमने a को m एंड n के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। थैंक यू।